नमस्ते बालाजी हिंदी डायरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे भर के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो चाहते क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा। और अंत में हम देखेंगे एंजल की तरफ से जेमिनाई है आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 अप्रैल तक की। 22 से लेके 28 अप्रैल तक की जो वक्त है इसमें रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। जमीनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ वॉन्ड्स टू ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है जेमिनाई, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो, मुझे लगता है ये वो रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो उनके पास है ही है, हो सकता है बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, लेकिन आपके साथ नो कांटेक्ट का सिचुएशन होने के बाद उनको ये लगने लगा है कि आप जो हो उनके सोलमेट हो। आपका जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, कुंडली मिला के आया होगा ये रिश्ता। कुछ भी करके इस रिश्ते में आपके साथ रहना, जैसे कि उनके सोल कनेक्शन को बरकरार रखना। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, जो हो गया उसे भूल कर एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके पास आना तो चाहते हैं। लेकिन जितनी स्टेबिलिटी इनके पास है, बंदा या बंदी जो भी है उससे खुश नहीं है ये, और कुछ और ज्यादा स्टेबल होने के बारे में सोच रहा है। और स्टेबल ऑफर के साथ ही आपके उतना बहुत ज्यादा स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये सोल का रिश्ता है, ये जन्मों का रिश्ता है। इस तरीके से इस रिश्ते में परेशानी नहीं आ सकता। कुछ नया ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसे लोग इनकी वाहवाही करें और खुद भी सेटिस्फाइड हो जाए, खास करके अपनी वर्क लाइफ में, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। ये स्टेबल है ये बंदा, लेकिन और भी स्टेबिलिटी चाहिए उनको। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। डेथ, आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, एरीस हो सकता है। कैंसर सन, कोई लियो भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
ये इस रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा करंट एनर्जी में भी, उस परेशानी को ये खत्म करना चाहते हैं। एक मेजर हैप्पी चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो उनके वजह से, अगर नहीं है तो ये आपको एक बच्चों की एनर्जी में देखता है, उनको ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कभी भी कुछ कर सकते हो, कभी जीत करना, कभी अल्हड़पन करना। तो ये आपकी जो एनर्जी है उसे एक बच्चों की एनर्जी से कंपेयर करता है। कभी कभी उनको लगता है बाय हुक और बाय क्रूक इनको ये रिश्ता चाहिए चाहिए। कभी इनको लगता है कि इनको आपके पास चले आना चाहिए, सब कुछ सही कर लेना चाहिए। कभी उनको लगता है कि अब भी चले आए, अब भी बातें करें। कभी उनको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है ये बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, बच्चों जैसी एनर्जी है, कब आप क्या डिमांड कर दो पता नहीं। तो आपको इन चीजों को बदलना चाहिए। दो तरीके का सोच रहे, कभी इनको लगता है कि आपके तरफ आए, आपसे बातें करें, रिश्ते को सही करें, पुराने गिले शिकवे को खत्म करें, लेकिन ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो रेस्टलेस हो, आप जो चीजों को समझते नहीं हो, आपको इन चीजों को अपने अंदर से बाहर करना पड़ेगा, एक मैच्योर बिहेवियर करना पड़ेगा। ये आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, रिश्ते को जीना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आए, और जो भी पुराने परेशानी है, डेथ के कार्ड आए हैं, डेथ का मतलब रिबर्थ होता है, तो नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। देखो उसके बाद ही, डेथ के बाद ही सन का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन है। ये कब ये चीज होगा, कब सब कुछ सही हो जाएगा, कब नई शुरुआत होगी, इसके इंतजार में बंदा कभी सोच रहा है कि मैं बैठे रहूं या बैठी रहूं यही आएंगे। कभी सोचता है नहीं मुझे चले जाना चाहिए, कभी सोचता है आप बच्चों की एनर्जी में हो, आप थोड़ा मैच्योर, आप कम हो, कभी सोचता है कि नहीं मैच्योरिटी मुझे दिखाना चाहिए। ये सोचते हुए ये रिश्ते की परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो, कोई एरीज लियो, कोई एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं, ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन क्या लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। देखो इस रिश्ते से किसी एक ने तो मूव ऑन किया था, लेकिन अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, ये रिश्ते में वापस आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में है। कभी उनको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, सब कुछ सही करना चाहिए, कितना भी उनमें बचपना हो, कितना भी ये कम समझते हो, कितना भी परेशानी हो, रिश्ते में आना चाहिए। कभी सोचता है बच्चों के लिए आना चाहिए, जिनके पास बच्चे हैं, कभी आपको बच्चे की एनर्जी में देखता है जेमिनाई, लेकिन कभी कभी उनको ये याद आ जाएगा कि रिश्ते से किसने मूव ऑन किया था, या फिर आपने या फिर उन्होंने, जो भी वजह हुई होगी उस वजह को याद करेंगे। कभी उनको लगेगा चलो जो हुआ सो हुआ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कभी उनको लगेगा कि रिश्ते में बहुत सारा माइंड गेम और मैनिपुलेशन हुआ था, इसकी वजह से इस रिश्ते में ना जाना ही सही रहेगा। इस तरीके के सोच उनके रहेंगे। जब ये सोचेंगे चलो मैं सब कुछ सही कर देता हूँ या कर देती हूँ, तब ये चले आएंगे। लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि इस रिश्ते में बहुत सारा, इतना प्यार होते हुए भी रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चल रहा है, झूठ फरेब, तब उनको लगेगा रिश्ते में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। ये हर तरीके की स्थिति से ये गुजरेंगे। अब जो भी स्थिति उनको सही लगेगा, हो सकता है ये एक्शन ले ले, आपकी तरफ आ जाए,
और कुछ लोगों के लिए अगर बहुत ज्यादा पेनफुल स्थिति रहा होगा तो ये खुद को रोक के भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन ले लेंगे, चले आएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं, उनके लिए ये खुद को रोक के रखेंगे कितना भी कुछ सोचे। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जमीनाई, यस, कॉम्प्रोमाइज। अगर ये आपके तरफ आ रहा है, ये स्थिति अगर आपकी है कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, ये वो, आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, क्योंकि एनर्जी तो वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, रिश्ते में बैलेंस लानी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है कि मूव ऑन कर लिया है उनकी इस बिहेवियर की वजह से, तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर आप रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो रिश्ता सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रिश्ते में आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, ये आप लिख के रखिए। तो यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है, एंजल भी कह रहा है कि रिश्ते को सही करने के लिए, रिश्ते को रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।